जनगण के मन में नवाशा का संचार करने वाले, भारत को परिवर्तन की नई आभा से विभूषित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। भारत भविष्य का सुंदर खाका खींचने वाले, आज जन जन उत्साहित है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर। रहा यही तो जनतंत्र है गया। आज यहाँ वे जन भी उपस्थित हैं जिनके सुझाव। बड़ी बात तो ये है कि ये सभी चीजें उपलब्ध होंगी 10 भाषाओं में। दिल्ली चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, पीएमओ अब होगा सिर्फ एक क्लिक की दूरी। पीएमओ ऐप, सरकार और लोगों की साझेदारी, देश के विकास की नई तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इतना काम कर पाओगे ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं, मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। उसका हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, गुड गवर्नेंस के लिए पहली आवश्यकता है जिस जिसकी जो जिम्मेवारी है उससे उस जिम्मेवारी का हिसाब मांगना चाहिए। न नीचे हिसाब मांगना चाहिए, न ऊपर मांगना चाहिए, सीधा सीधा उससे मांगना चाहिए, तब सुधार होगा। जन सैलाब, जन भावनाओं के बीच एक जनप्रिय जननायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत एक विश्वास दिया है कि हाँ विकास हो रहा है।